अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीचर पाकिस्तानी एकेडमी। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर टू को पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर टू में आज हम सॉल्व करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर थ्री। तो प्रॉपरली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जी, ये स्क्रीन पे आपका एक्सरसाइज नंबर थ्री नजर आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ तिरुथविन कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा फॉर मई। सेल्स हमें गिवन है $72,000। मार्केटिंग एक्सपेंसेस हमें गिवन है 5%, एडमिन एक्सपेंसेस हमें गिवन है 1% और अदर एक्सपेंसेस हमें गिवन है 5% ऑफ ऑल सेल्स। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो मैं आपको बताऊँ, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज ऑफ ऑल दी सेल्स, यानी ये जितनी भी हमें परसेंटेजेस यहाँ पे गिवन है, जिसमें मार्केटिंग एक्सपेंस है, जिसमें एडमिन एक्सपेंस है और जिसमें अदर एक्सपेंस है, ये सब की सब हमने किसकी परसेंटेजेस लेनी है, ऑफ ऑल दी सेल्स की। ठीक है, फर्दर हमें डेटा गिवन है परचेजेस 36,000, फैक्ट्री ओवरहेड 2/3 ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जबकि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमें गिवन है $15,000। ठीक है, इसके साथ साथ हमें कुछ बिगेनिंग इन्वेंटरीज गिवन है एक्सरसाइज में, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस और मटीरियल्स की, और इसी तरह से एंडिंग इन्वेंटरीज हमें गिवन है इन तीनों की, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस और मटीरियल्स की। रिक्वायरमेंट नंबर वन हमारे पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, हमने फाइंड आउट करना है, और रिक्वायरमेंट नंबर टू है इनकम स्टेटमेंट, हमने जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो चलें प्रॉपरली हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जी, दिस इज द सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट नंबर वन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। तो हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। रुथविन कंपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड December 31st। यहाँ पे चूंकि हमें एक्सरसाइज में ईयर गिवन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे ईयर की जगह एक्स पुट किया है। अब हम देखते हैं, तो हमारे पास पांच एलिमेंट्स हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? नंबर वन इज डायरेक्ट मटेरियल, नंबर टू इज डायरेक्ट लेबर, ठीक है, इसी तरह से नंबर थ्री हमें गिवन है फैक्ट्री ओवरहेड, नंबर फोर जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इसमें होता है वो वर्क इन प्रोसेस से रेलिवेंट होता है। ठीक है, और फिफ्थ एंड लास्ट जो हमारे पास जो एलिमेंट होता है वो होता है फिनिश गुड्स से रेलिवेंट। तो इन पांच के पांच एलिमेंट्स को जब हम मिला लेते हैं तो रिजल्टेंट फिगर को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब हम एक एक करके इन तमाम एलिमेंट्स को देखते हैं। मटीरियल इन्वेंट्री जो हमें गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री दैट इज 8,000, साथ में हम परचेजेस को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज दैट इज 44,000। अब हम इसमें से जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसको माइनस कर लेते हैं तो रिजल्टेंट फिगर मटेरियल कंज्यूम, जो फर्स्ट वन एलिमेंट है, वो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। नंबर सेकेंड एलिमेंट हमें गिवन है डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट एज इट इज दैट इज 15,000। ठीक है, और थर्ड जो एलिमेंट है फैक्ट्री ओवरहेड, वो हमें गिवन है 2/3 ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो हमने जब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 2/3 लिया तो रिजल्टेंट फिगर हमारे पास आ जाता है 10,000। उसके बाद जब हम मटेरियल, साथ में लेबर और साथ में FOH, इन तीनों को जब हम ऐड कर लेते हैं तो रिजल्टेंट फिगर को हम कहते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन में टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 60,500। अब हम इसमें फोर्थ जो एलिमेंट है वर्क इन प्रोसेस का, उसकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं दैट इज 8,000, और फिर हम उसमें से लेस करते हैं जो उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है, ठीक है, 15,000। तो रिजल्टेंट फिगर अगेन हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का। अब फिफ्थ एंड लास्ट एलिमेंट की तरफ हम आते हैं जो कि फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है। जनवरी 1st यानी ओपनिंग इन्वेंट्री को हम इसमें ऐड करेंगे और साथ में हम लेस करेंगे फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री को। तो जो रिक्वायरमेंट नंबर वन है दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, 50,300 जो है वो हमारे पास आ जाता है उसका आंसर। अब हम रिक्वायरमेंट नंबर टू की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट नंबर टू हमारे पास है इनकम स्टेटमेंट, यानी हमने इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट करनी है। उसी तरह से हम फॉर्मेट बनाते हैं, रुथविन कंपनी इनकम स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड December 31st। सबसे पहले हम, जैसे कि हमें पता है कि इनकम स्टेटमेंट में सेल्स
का एलिमेंट आता है तो हम सेल्स की अमाउंट लिख लेते हैं यहाँ पे 72,000। ठीक है, ये हमें एक्सरसाइज में एज इट इज गिवन है। अब इसमें से हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अभी हमने रिक्वायरमेंट वन में कैलकुलेट किया, दैट इज 50,300। जब हम सेल्स में से माइनस करेंगे सीजीएस तो जो रिजल्टेंट फिगर हमारे पास होगी उसको हम नाम देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट का, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब जो अदर एक्सपेंसेस हैं जो हमें मार्केटिंग एक्सपेंडिचर और एडमिन एक्सपेंडिचर गिवन था एक्सरसाइज में, जो कि हमने सेल्स की कुछ परसेंटेजेस लेनी थी, जब हमने वो कैलकुलेट किया प्रॉपरली तो हमारे पास उसका आंसर आया मार्केटिंग एक्सपेंसेस 3600 और साथ में एडमिन एक्सपेंसेस 720। अब हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करेंगे इन दोनों एक्सपेंडिचर्स को, तो हमारे पास रिजल्टेंट फिगर आता है इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर लेती हूँ आपके लिए, तो दिस इज इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इसमें से हम अदर एक्सपेंसेस जो हमें गिवन है 360 एक्सरसाइज में, हम वो भी माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया इनकम बिफोर टैक्स। ठीक है, यहाँ पे ये इनकम स्टेटमेंट भी हमें हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे, वो कौन कौन से थे, सेल्स, कॉस्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, थर्ड इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस और फोर्थ इनकम बिफोर इनकम टैक्स। होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा इसको। थैंक यू सो मच।